दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जगदीश रॉयल एनफील्ड, जगदीश मोटर, और यहाँ से हमने गाड़ी खरीदी आज भाई बुलेट, और मेरे जीवन की ये तीसरी बुलेट होगी जो कि रॉयल एनफील्ड के हम फैन हैं इसलिए। और मेरे साथ में है टिंकू मैडम रॉयल एनफील्ड जगदीश मोटर से, अन्नपूर्णा रोड इंदौर में इनका शोरूम है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ मैडम के साथ में मिल करके कि रॉयल एनफील्ड की जितने भी वेरिएंट्स आते हैं कि क्या कीमत पड़ने वाली है 2023 के अंदर। तो मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो मैडम हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ क्योंकि हमने कौन सी गाड़ी खरीदी है। ये है हमारे पास में मेट्योर का फायरबॉल जो है वेरियंट, बेसिक मॉडल है ना, स्टार्टिंग मॉडल। एक तो बेसिक तो कोई नहीं होता, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी रहती है। तो मैडम ये हमें कितने का दे रहे हो आप ऑन रोड, ये बताओ पहले। आपको तो सर 250 के ऊपर जा रहा है फिलहाल, तो 250 के ऊपर जा रही है, लेकिन नॉर्मल आती है 240 के आसपास की। 240 एक्स रूम, इसका कीमत कितना है? ये जाएगा 2,13,000 का। 2,13,000 के आसपास का एक्स रूम है। तो दोस्तों गाड़ी देख लो आप सबसे पहले कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, काफ़ी बड़े टायर हैं और गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और इसमें हमने जो एसेसरीज लगाई है उसके बारे में, तो अलग से ट्रिपल भी लगवाया है इसमें। ये जो है हमने GPS पहले आया करता था, अभी ऑप्शनली कर दिया है इसको एसेसरीज ग्रुप में। इसको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, कई कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे इसमें। और हमने इसमें एसेसरीज में क्या लगाया है, ये लगाया है, ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इसमें, फायरबॉल में नहीं आता है। ये कितने का पड़ा है अपने को? ये अपने पड़ेगा 3,550 का। 3,550 का ये पड़ा है। और लेग गार्ड लगाया हमने, 3,950 का ये पड़ा है आपको। और जो सम गार्ड नीचे ब्लैक वाला है ये पड़ा है आपको 3,300 रुपए का। तो हमें ये गाड़ी पड़ गई है लगभग 2,50,000 के ऊपर की, और हमने यहाँ पर हेलमेट वगैरह परचेज किया नहीं है, हमारे पास में पहले था इसलिए। तो ये मेट्योर का फायरबॉल जो वेरिएंट है वो वाला है। इसके बाद में हम इनके बारे में भी जानकारी देते हैं आपको। ये मैडम कौन सा हंटर है ना? हाँ, ये हंटर है। हंटर में जैसे दो वेरियंट हो जाते हैं, एक रेट्रो मॉडल होता है, एक मेट्रो मॉडल होता है। जो आपके सामने जो भी प्रेजेंट है ये मेट्रो मॉडल है। मेट्रो में भी ये रेबल कलर है, इसमें भी दो सीरीज हो जाती है कलर की, रेबल सीरीज की और डेपर सीरीज की। तो ये जो दोनों है, जो ड्यूल टोन कलर जिसमें आ रहे हैं वो आ जाते हैं रेबल में। इनकी क्या प्राइसिंग है मैडम? सर ये ऑन रोड जाएगा 2,10,000 का ऑन रोड। हाँ जी। इंजन सभी गाड़ियों के अंदर सेम है, 350cc का इंजन है, बस वेरिएंट वाइज चेंज कर दिया है, थोड़े इसके टायर छोटे हैं। हाँ, इसके एक्चुअली क्या सबके राइड के हिसाब से इनको अलग अलग मॉडिफाई किया, अलग अलग बनाया गया हुआ है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है सिटी राइड के हिसाब से। तो ये हो गई अपनी हंटर, ये हमने मेट्योर के बारे में बता ही दिया है। और हमारे पास में जो वेरिएंट है उनके बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि सुपरनोवा खड़ा हुआ है उसका। हाँ, मेट्योर का सुपरनोवा उधर है, स्टेलर अपना इधर रखा हुआ है। तो सुपरनोवा में और मेट्योर का जो फायरबॉल है उसके अंदर मैडम मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बता दो। हाँ, जैसे अपने पास फायरबॉल होता है उसका सिर्फ टैंक का कलर चेंज होता है, बाकी जैसे इसमें क्या होता है ये ड्यूल टोन कलर में आ गया अपना। ठीक है, ऊपर इसमें आगे अगर देखे तो इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील आ गए जो काफी अच्छा लुक बनाते हैं। विंडशील्ड आ गई है इसमें और इसमें बैकरेस्ट लगा हुआ आ गया है, ये इसमें चेंजेस किए। और इसमें जो क्रोम शेड दिया ना वो ज़्यादा दिया, जैसे इसका जो लोगो है वो क्रोम शेड में दिया हुआ है, मिरर जो क्रोम शेड में है, इंडिकेटर और जो साइलेंसर वो भी क्रोम शेड में दिया हुआ है। बाकी चीज़ों को हम बेसिक मॉडल के अंदर ऑप्शनली भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये आपका वाइजर हो गया, हमने बैकरेस्ट लगवा ही लिया है। और ओवरऑल गाड़ी के अंदर इंजन वगैरह तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। ये जाएगा आपको 2,60,000 का। 2,60,000 ऑन रोड। ठीक है। और हमारे पास में इस साइड में और गाड़ियां हैं दोस्तों। हाँ। तो रॉयल एनफील्ड के तमाम सारे वेरिएंट्स के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको इंदौर जगदीश मोटर्स से, जो कि अन्नपूर्णा रोड पर इनका शोरूम है। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो आप यहां पर आकर के विजिट करें, गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करें और भाई साहब से मिलें, मैडम से मिलें। डिस्काउंट वगैरह तो ये कुछ करते नहीं है, भी कुछ नहीं दिया है, वैसे गाड़ियाँ वेटिंग में चल रही हैं, आपको समय पे मिल जाए आपकी मन पसंदीदा गाड़ी, ये बड़ी बात है। ये कौन सा मॉडल है मैडम? ये क्लासिक का सिग्नल्स मास ग्रे, आर्मी पेटर्न्स में जो कलर जाता है ना ये वाला कलर है। ये कितने का है? ये पड़ेगा आपको 253 का। 253। हाँ जी। और ये अपने पास? ये अपने हंटर के जो दूसरे वेरिएंट में आपको बताया जैसे रेट्रो और मेट्रो का, तो ये अपना रेट्रो लुक है, हंटर का रेट्रो लुक में जो मॉडल है इसको रेट्रो, ये फैक्ट्री सिल्वर कलर है। और मेट्रो के जो दो कलर मैंने बताए थे उसका ये डेपर सीरीज वाला कलर है जो सिंगल टोन में आता है। तो ये भी 210 के आसपास में पड़ेगा? नहीं सर, ये वाला जो अपना को 183 का है और 2,05,000 का, मतलब सबसे सस्ता तो ये हो गया। हाँ, हंटर में तो यही वाला है, इनमें रॉयल एनफील्ड में सबसे सस्ता ये वाला हो गया है, सबसे सस्ता मॉडल है। 1,83,000। हाँ जी सर, 183 में मतलब इतनी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी आपको। हाँ, हंटर मिल जाएगा, रॉयल एनफील्ड मिल जाएगा। और इस साइड में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये तमाम सारी जो सीरीज है हमारे पास में, ये क्लासिक है ना। हाँ, उधर हिमालयन है। हिमालयन कितने का पड़ रहा है? सर वो वाला जो एक बजट अपने पास सामने है वो है 275 का। 275 ऑन रोड। हाँ, ऑन रोड।
और ये जो अपने ये अपना पास बुलेट हो गया, बुलेट ई एस सेल्फ, जिसमें बुलेट में बोलते हैं सेल्फ करके दिखाना जरा कलर कितने अच्छे अच्छे हैं पेट्रोल टैंक मेनली कलर। कस्टमर अधिकतर कस्टमर आजकल बुलेट में सेल्फ मांगने लग गए, तो कंपनी ने बुलेट एक्स ई एस बनाया हुआ है, इसका ये नेवी ब्लू कलर है जो काफी अच्छा लगता है। ये आपको जाएगा 2,03,000 में, 2,03,000 बुलेट सेल में। उसके बाद में फिर अपने पास इधर क्लासिक वेरियंट आ गए जिसमें सब में अलग अलग कलर वाइज प्राइस भी रहते हैं, जैसे ये रेडिश सीरीज का रेडिश रेड हो गया, रेडिश ग्रे हो गया, इन दोनों की सेम प्राइस है। ये जाएगी अपने को 2,30,000 का। इसके ऊपर जाएंगे तो हेलकन सीरीज आएगी। हेलकन सीरीज में क्या होता है, सिंगल चैन एबीएस में भी आता है, ड्यूल चैन एबीएस में भी आता है। तो जैसे अपने पास ये वाला जो खड़ा है सिंगल चैन एबीएस में है, ये वाला 2,33,000 का। अगर वही ड्यूल रिक्स आप ड्यूल एबीएस लेते हैं तो 2,40 का पहुँच जाता है। सेम इसमें कहानी वैसी है, अगर आप ड्यूल डिस्क लेते हैं तो 2,40 का, सिंगल चैन एबीएस में लेते हैं तो 2,33 का जाएगा आपको। तो दोस्तों टिंकू मैडम ने सारी गाड़ियों की डिटेल जो है बता दी है। मोटे मोटे रूप में अगर हम बात करें तो 350 सीसी का इंजन ऑलमोस्ट सभी में आता ही है। और माइलेज की अगर हम उम्मीद करें तो मेरे ख्याल से 25 से 30 के बीच का जो 350 सीसी की रेंज है वो 30-35 का आराम से निकालती है सर। 35 तो नहीं जाएगा मैम, लेकिन फिर भी एक्चुअली क्या ये जो है कस्टमर फीडबैक है हमारे पास, और कुछ कस्टमर ऐसा है जो 40 का भी निकाल रहे हैं। अच्छा। अब आपके राइड पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे राइड करते हो। कभी कभी कुछ कस्टमर होता है जिनके हाथ और पैर में बस क्लच और ब्रेक ही रहता है, अगर कंटिन्यू अगर वो चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें माइलेज का फर्क पड़ता है। वैसे तो सारी जानकारी मैंने सर को दे दी और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो हमारे शोरूम पे आते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। वो ये दूसरी गाड़ी है शायद उनकी यहाँ से, अच्छा तीसरी गाड़ी है यहीं से, हाँ मैं यहाँ की बात करी, यहाँ पर दूसरी गाड़ी उन्होंने ली है। और आशा करती हूँ और इन फ्यूचर ऐसी गाड़ियाँ लेते जाए और जो भी नए मॉडल आए उनकी वीडियो बनाते जाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, भी बहुत बहुत बधाई हो सर गाड़ी की। थैंक यू।